रोहित और कोहली कब तक, इंडिया टीवी स्पेशल, ये स्टोरी आज आपके लिए हम लेकर आए क्योंकि ये वो मुद्दा है जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में है और वो खिलाड़ी जो हर किसी के दिलों और दिमाग पर राज करते थे, आज वही दिल और वही दिमाग हर फैन का पूछ रहा है क्या कोहली और रोहित से आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है, क्या इनका वक्त, क्या इनका युग, क्या इनका ईरा जो है वो खत्म हो चुका है, क्या अब हमें युवा खिलाड़ियों की तरफ जाने की जरूरत है। अब इस बात की पड़ताल हम आज इस खास अपनी इस स्टोरी में करेंगे। इसको आप इंडिया टीवी वेबसाइट पर भी पढ़ भी सकते हैं और सारे आंकड़े भी देख सकते हैं और वीडियो भी आप हमारे इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब पर देख सकते हैं। फिलहाल बात अगर क्रिकेट की करें तो क्रिकेट जो है स्टैट्स और फैक्ट्स का खेल है, यानी कि अगर हम किसी को कह रहे हैं कि ये खिलाड़ी अब अच्छा नहीं रहा तो हमें उसको साबित करना पड़ेगा स्टैट्स के जरिए, उनके परफॉर्मेंस के, क्योंकि ये लफबाजी का ब्लफ करने वाला खेल नहीं है। यहाँ पे हर चीज जो है स्टैट्स के जरिए साबित की जा सकती है। तो चलिए आज बात करते हैं रोहित और कोहली की, जो कॉम्बिनेशन बदल गया है, पहले हमेशा कोहली और रोहित होता था लेकिन अब कप्तान रोहित शर्मा है तो पहले हिटमैन का नाम आएगा उसके बाद कोहली का जो पूर्व कप्तान है। तो चलिए बात करते हैं इन दोनों खिलाड़ियों की। और अगर बात करें न्यूजीलैंड सीरीज पहुंचते पहुंचते, पिछले 2-3 साल से लगातार इन खिलाड़ियों पर हमारी नजर है लेकिन न्यूजीलैंड सीरीज ने कहीं ना कहीं हर किसी की आंखें खोल दी है, दिमाग में और दिल में ये सवाल डाल दिया है कि क्या रोहित और विराट टीम इंडिया के विनिंग कॉम्बिनेशन और एक्स फैक्टर हैं, क्योंकि ये दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर, आपको मैं बताऊं तो 100 रनों का आंकड़ा भी इस टेस्ट सीरीज में नहीं छुआ है 6 पारियों में। जी हाँ, और दोनों के अगर रन्स भी देखें तो कहीं ना कहीं ये ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल जैसे युवा खिलाड़ियों से भी कम है। और ऋषभ पंत की अगर बात करें तो ऋषभ पंत ने तो शानदार प्रदर्शन किया ही, और पंत शायद इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने 3 मैचेस के 6 पारियों में 200 रनों का आंकड़ा पार किया। और आपको थोड़ी बहुत ये जानकर हैरानी भी होगी कि यशस्वी जायसवाल जैसा एक युवा खिलाड़ी भी इनसे कहीं ज्यादा रन बनाता है। जी हाँ, तो ये हाल है इस वक्त रोहित शर्मा और विराट कोहली का। और अगर यहाँ पर बात करें इन दोनों खिलाड़ियों की, रोहित शर्मा और विराट कोहली के कुछ आंकड़े भी मैं आपके सामने लेकर आऊंगा, लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली ने पिछले कुछ समय से वो एक्स फैक्टर वाली इनिंग्स भी नहीं खेली। न्यूजीलैंड सीरीज की अगर बात करें हम आगे बढ़ाएं तो न्यूजीलैंड सीरीज में इन दोनों ने सिर्फ 1-1 अर्धशतक लगाया पहले टेस्ट मैच में जो टीम इंडिया हारी, और इस सीरीज में 3-0 की हार जो कि इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ, न्यूजीलैंड के खिलाफ ये शर्मनाक हार टीम इंडिया को देखनी पड़ी। इसके बाद हर किसी के जहन में यही सवाल था कि क्या हो गया है रोहित शर्मा और विराट कोहली को, जो ना तेज गेंदबाजी खेल पा रहे हैं ना स्पिन गेंदबाजी खेल पा रहे हैं, रोहित शर्मा से ना कप्तानी हो पा रही है, हो क्या गया है इन दोनों खिलाड़ियों को जो इस टीम के दो सबसे बड़े और मजबूत स्तंभ हैं जिनके दम पर ये टीम चलती है। और दूसरी बात यह कि इस हार के बाद, सीरीज हार के बाद, टीम इंडिया WTC के दौड़ में भी फिसलकर दूसरे पायदान पर आ गई है, और यहां से इन दोनों के प्रदर्शन ने कहीं ना कहीं हर किसी को इस बात की भी ठेस पहुंचाई है कि आप WTC की दौड़ में जो सबसे आगे थे, अब WTC के फाइनल में पहुंचना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि BGT यानी कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में आपको 4-1 की जीत दर्ज करनी पड़ेगी, जो कि फिलहाल मौजूदा ऑस्ट्रेलिया टीम के फॉर्म को देखते हुए ये स्कोरलाइन भारत के हक में होना नामुमकिन सा लग रहा है। और ऐसे में भारत पहली बार ऐसा होगा कि WTC के फाइनल में नहीं पहुंच पाएगा, और रोहित शर्मा की कप्तानी में एक और हो सकता है कि ऐसा ही एक निराशाजनक नतीजा देखने को मिले। तो ये सारे मुद्दे मिलजुल कर कहीं ना कहीं ये हर किसी को निराश कर रहे हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को हम कब तक इस तरीके के खराब प्रदर्शन में देखते रहेंगे। और अगर इनकी उम्र की बात करें, एक और बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर उम्र, जो अगर उम्र है तो दोनों खिलाड़ियों की उम्र जो है 35 से पार हो चुकी है। रोहित शर्मा की बात करें 37 साल यानी कि 38 रनिंग जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, और पिछले दिन ही कुछ दिन पहले ही जो है विराट कोहली 35 साल पार कर चुके हैं, 36 के हो चुके हैं। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं जो है उम्र का असर भी इन दोनों के रिफ्लेक्सेस में, चपलता में, बल्लेबाजी में देखने को मिल रहा है। तीसरी चीज जो सबसे अहम चीज है, ये दोनों खिलाड़ी घरेलू क्रिकेट खेलते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि BCCI ने पंजाब से दिलीप ट्रॉफी को खास तौर पर शिफ्ट किया था बेंगलुरु के, बेंगलुरु में, जहां पर वो सोच रहे थे कि शायद विराट कोहली और रोहित शर्मा बेंगलुरु में दिलीप ट्रॉफी खेलेंगे और अपने फॉर्म को वापस पाने की कोशिश करेंगे। लेकिन कमाल की बात देखिए कि दोनों ने दिलीप ट्रॉफी ना खेलने का ऐलान किया, ना खेलने का मन बनाया, और BCCI कुछ भी नहीं कर पाए। इससे साबित क्या होता है कि दोनों के अंदर रोहित शर्मा और विराट कोहली की क्रिकेट खेलने की भूख वो खत्म हो चुकी या बहुत कम हो चुकी, रन बनाने की भूख कम हो चुकी है, जीतने की भूख कम हो चुकी है, देश के लिए वो जज्बा, जुनून, देश को जीतते हुए देखने का ख्वाब वो शायद कम हो चुका है।
तो इन सब मुद्दों को देखते हुए कहीं ना कहीं ये लगता है कि शायद रोहित और विराट कोहली से आगे निकलने का वक्त आ गया है। यहां तक विराट कोहली हिंदुस्तान के बजाय अब इंग्लैंड में रहते हैं और सीरीज पर जैसे ही सीरीज शुरू होती है वो हिंदुस्तान आकर उस सीरीज में हिस्सा लेते हैं। और अगर अब बात करें कि इसका सोल्यूशन क्या है, किसकी तरफ हमें यहां पर जाना चाहिए, हम जा सकते हैं, और अगर हम बात करें कि किसकी तरफ हम जा सकते हैं, तो हम दो खिलाड़ी हाल में जो है इंडिया ए के लिए खेलते हुए नजर आए हैं ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ और शानदार प्रदर्शन किया इन दोनों खिलाड़ियों ने। इन दोनों का नाम है, एक का नाम है साई सुदर्शन और दूसरे का नाम है देवदत्त पटेकल। शानदार प्रदर्शन उन्होंने किया है और अगर आईपीएल की बात करें और घरेलू क्रिकेट की बात करें तो दोनों में इन दोनों ने अपने टैलेंट प्रतिभा जो है वो दिखाई है और लोहा भी मनवा चुके हैं कि हम दोनों में दमखम है। ऐसे में दोनों बल्लेबाजों की अगर रनों की भूख की बात करें तो ये बहुत दोनों भूखे भी लग रहे हैं, जो बहुत ज़रूरी है इंटरनेशनल क्रिकेट में। और सुदर्शन की अगर बात करें तो सुदर्शन और पटेकल ने दोनों ने बड़ी पारियां खेली। साई सुदर्शन ने तो एक शानदार शतक भी जड़ा और देवदत्त पटेकल ने 88 रन बनाए ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ। और अगर बात करें स्पिन खेलने की काबिलियत की तो साई सुदर्शन में स्पिन खेलने की काबिलियत भी बेहतरीन है और देवदत्त पटेकल में तेज गेंदबाज, स्पिन और बड़े शॉट्स लगाने की भी काबिलियत है। और इन दोनों में वो बात नजर आ रही है जहां पर शायद आप इनको एक बार रोहित शर्मा और विराट कोहली की जगह कोशिश कर सकते हैं। और ऋतुराज गायकवाड़ हालांकि इंडिया ए के लिए खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया के पहली पारी में तो खास रन नहीं किए लेकिन दूसरी पारी में उन्होंने भी अच्छा प्रदर्शन किया। ऋतुराज गायकवाड़ को भी यहां पर कोशिश की जा सकती है। मतलब यह है कि कहीं ना कहीं वक्त आ चुका है कि आपको इनसे आगे अब निकलना होगा, क्योंकि हर कोई यही पूछ रहा है कि रोहित विराट कब तक, और ये सवाल का जवाब अगर बीसीसीआई ने नहीं तलाशा तो बहुत मुश्किल हो सकती है। इस पर और आगे बात करेंगे लेकिन इससे पहले कुछ स्टैट्स, कुछ आंकड़े मैं दिखा देता हूं जो मैंने इस वीडियो के शुरुआत में कहा था कि क्रिकेट की अगर किसी की परफॉर्मेंस की बात करनी है, वो अच्छा है या बुरा है, तो उसे आपको साबित करना होगा, क्योंकि क्रिकेट स्टैट्स और फैक्ट्स का खेल। तो चलिए कुछ स्टैट्स लेते हैं। टेस्ट मैचेस में भारत की जीत में विराट कोहली का प्रदर्शन, यानी कि विनिंग कॉजेज में उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है। 39 मैचेस खेले हैं, 60 पारियां और रन आए हैं उनके 3164, औसत जो है उनका अच्छा है, 60 का औसत है 49.69 और उनका बेहतरीन स्कोर रहा है 254 नाबाद, जो कि काफी पुराना ये रिकॉर्ड हो चुका है। और अगर बात करें तो उसमें 8 वो अर्धशतक और 16 शतक लगा चुके हैं। और विदेश में प्रदर्शन की अगर बात करें तो 22 मैचेस में 40 पारियां खेली हैं जिसमें उन्होंने 1477 रन बनाए, औसत जो है विदेश में कहीं ना कहीं ये ऑब्वियस होता है कि कम हो जाएगा क्योंकि वहाँ कंडीशंस डिफरेंट होती हैं और मुश्किल होता है वहाँ पर खेलना, औसत उनका हो जाता है 39 का, 38.86 जो कि 39 कहलाया जाएगा। और उनका सबसे बेहतरीन स्कोर है 200 रनों का जो उन्होंने एंटीगा में बनाए थे और कुल 8 अर्धशतक है और 3 शतक है। अब बात करते हैं विराट कोहली के WTC में प्रदर्शन की। WTC के मैचेस में अगर बात करें तो 24 मैचेस उन्होंने खेले, 39 पारियां और उसमें उन्होंने 1358 रन और औसत है उनके उनका 38.80 और सबसे बेहतरीन स्कोर है उनका 254 नाबाद जिसमें उन्होंने 5 अर्धशतक और 2 शतक लगाए। चलिए ये तो बात हुई अब तक के सबसे बेहतरीन प्रदर्शन की, अब तक क्या क्या किया है। अब हिटमैन की तरफ चलते हैं, रोहित शर्मा की तरफ। और भारत में प्रदर्शन की अगर बात करें रोहित शर्मा की तो उन्होंने कुल 26 मैचेस खेले हैं और 40 पारियों में उन्होंने रन बनाए हैं 2179, औसत 62.50, शानदार औसत है और सबसे बेहतरीन स्कोर की अगर बात करें तो 212 और 5 अर्धशतक और 10 शतक उन्होंने लगाए हैं। विदेश में प्रदर्शन की बात करें रोहित शर्मा की तो विदेश में उन्होंने 10 मैचेस में 19 पारियों में 796 रन बनाए हैं, औसत 46.82 और सबसे बेहतरीन स्कोर 127 जिसमें 4 अर्धशतक और 2 शतक है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में प्रदर्शन की बात करें तो यहां पर बेहतरीन प्रदर्शन रोहित शर्मा का रहा है इस साल को अगर छोड़ दें, 23 मैचेस की 37 पारियों में 1986 रन, 56.74 के औसत से और सबसे बेहतरीन स्कोर इनका रहा है 212 जिसमें 3 अर्धशतक और 9 शतक है। लाजवाब प्रदर्शन रोहित शर्मा का WTC में, यह है अब तक। और बात करें रोहित शर्मा और विराट कोहली के घरेलू मैदान पर प्रदर्शन की 2021 से, अब बढ़ रहे हैं वहां पर जहां से सवाल धीरे धीरे उठना शुरू हो रहा है कि रोहित और विराट को हो क्या गया है, क्या इनकी जगह दूसरे खिलाड़ियों पर नजर डालनी अब जरूरी होगी, क्या इनका रिप्लेसमेंट ढूंढने का वक्त आ चुका है।
तो बात करते हैं 2021 से घरेलू मैदान यानी कि घर पर क्या प्रदर्शन रहा है। विराट कोहली ने 16 मुकाबलों में 27 पारियों में उन्होंने 778 रन बनाए हैं। उनका औसत जो है काफी औसत रहा है 29.92 का, और उनका सबसे बेहतरीन स्कोर 186 जिसमें उन्होंने 3 अर्धशतक और सिर्फ 1 शतक लगाया है। ये 2021 से ध्यान रहे। रोहित शर्मा की अगर बात करें, उन्होंने 20 मैचेस खेले हैं 2021 से, 35 पारियों में 1210 रन, औसत 35.58 का, विराट कोहली से बेहतर है। और उनके बेस्ट स्कोर यानी कि सबसे बेहतरीन स्कोर की बात करें तो 161 जिसमें उनके 3 अर्धशतक और 4 शतक है। रोहित का ये पिछले 2 सत्र में जो WTC का साइकिल था उसमें उनका अच्छा प्रदर्शन था। और फिलहाल अब आ जाते हैं जहां पर ये सवाल बहुत तेजी से उठने लगे हैं और एकदम ऊपरी माले तक यानी कि दिमाग तक पहुंच गए, दिल से निकलकर दिमाग तक पहुंच गए। और वो सवाल है कि रोहित और विराट का 2024-25 के घरेलू सत्र में प्रदर्शन कैसा रहा है। विराट से शुरू करते हैं। विराट कोहली ने 5 मैचेस खेले, 10 पारियां, रन सिर्फ 192, औसत 21.33, और बेस्ट स्कोर की बात करें तो ये आपको गिरा देगा, सिर्फ 70 और 1 अर्धशतक आया है, कोई शतक नहीं। तो ये है एक बहुत ही फिसड्डी प्रदर्शन विराट कोहली का जो कि सुधरने का नाम नहीं ले रहा। रोहित शर्मा की अगर बात करें, इन्होंने भी 5 मैचेस खेले, 10 पारियां, और इनका तो और भी बुरा हाल है। इनका प्रदर्शन अगर देखें तो ये पता चल जाता है कि ये सिर्फ कप्तान की वजह से टीम में, खिलाड़ी की वजह से नहीं। सुनिए स्टैट्स क्या कहते हैं। 5 मैचेस, 10 पारियां, 133 रन ओनली सिर्फ, औसत 13.3 का, बेस्ट स्कोर 52, और यही उनका एक अर्धशतक भी है, बेस्ट स्कोर भी है, कोई शतक नहीं। तो ये हाल है इन दोनों का इस सत्र में। टेस्ट टीम में रोहित और कोहली की जगह लेने वाले जो दावेदार जिनके नाम मैंने आपको बताए थे उनके बारे में बात कर लेते हैं। साई सुदर्शन, मैचेस 27 है ना, ये फर्स्ट क्लास मैचेस के रिकॉर्ड है रणजी ट्रॉफी के और बाकी मैचेस के। 27 मैचेस हैं, 45 पारियों में लगभग 2000 रन, 1945, औसत है 43.22 का। सबसे बेहतरीन स्कोर इनका फर्स्ट क्लास में रहा है 213 रन जिसमें उन्होंने 5 अर्धशतक और 7 शतक लगाए। अब देवदत्त पडिक्कल की बात करें, देवदत्त पडिक्कल जो है काफी इंजर्ड रहे हैं लेकिन अब जब से फिट हुए हैं तो उनका वो जो है परफॉर्मेंस भी दिख रहा है। देवदत्त पडिक्कल ने इस घरेलू सत्र में अगर बात करें अब तक इनका जो रिकॉर्ड रहा है 39 मैचेस, 64 पारियां, 2650 रन, औसत 43.44 का। साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल के औसत का जो आंकड़ा है वो लगभग बराबर का है, और उनका सबसे बेहतरीन स्कोर है 193, 17 अर्धशतक और 6 शतक। चलिए रजत पाटीदार को भी हम यहाँ पर गिन लेते हैं, हालांकि रजत पाटीदार की उम्र हो चुकी है करीब 33-34 साल के हो चुके हैं, उनका आना अब लगभग नामुमकिन है लेकिन उनको कभी कभी कोशिश कर लिया जाता है और वो स्टॉप गैप 1-2 साल जब तक आपको बड़ा टैलेंट नहीं मिलता रजत पाटीदार को आप इस्तेमाल कर सकते हैं शायद। 64 मैचेस हैं और पारी 110 रन, 4518, औसत 43.44, इन दोनों तीनों का औसत लगभग एक ही नंबर है इनका। बेस्ट स्कोर की अगर बात करें 196 जिसमें उन्होंने 23 अर्धशतक और 13 शतक लगाए। तो ये है आज का बड़ा मुद्दा जो हमने आज अपने इंडिया टीवी स्पेशल में आपके लिए पेश किया है। तो सवाल यहां पर ये है कि ये रोहित विराट कब तक, ये रोहित विराट ना फैसला ले, ये फैसला ले BCCI, ये फैसला ले फैंस, क्योंकि अगर रोहित और विराट को ये फैसला लेना है तो शायद बहुत देर हो सकती है और टीम इंडिया को और बहुत सारी शर्मनाक और निराशाजनक हार भी देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन हम उम्मीद यही करेंगे कि जब तक रोहित और विराट हैं तब तक ये धुआंधार प्रदर्शन करें और धुआंधार प्रदर्शन करके मैदान में बैट ऊपर कर मैदान से बाहर संन्यास लेने का ऐलान करें।